दोस्तों, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जिसमें हम अर्थ और उसको सेव कैसे किया जाए इसके बारे में बताएं, पर्यावरण को कैसे पोल्यूटेड होने से बचाया जाए इसके बारे में भी बताए थे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे है, तो चलिए आज आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि समुद्र हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। 8 जून 2009 से वर्ल्ड ओशन डे मनाने की शुरुआत की गई। तो चलिए दोस्तों, आज आपको महासागर से जुड़ी हुई 5 फैक्ट्स बताते हैं। अर्थ पे 70% महासागर है और 30% लैंड एरिया है, जिसमें 97% सॉल्टेड वाटर है और 3% पानी, मधुर पानी, मीठा पानी कह सकते हैं, नदी, नाला, कुआं और तालाब से मिलता है। महासागर पृथ्वी के जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और आप यकीन नहीं मानेंगे, 70% ऑक्सीजन हमें समुद्र से ही मिलती है। और जिस लैंड में हम रहते हैं वहां से हमें सिर्फ 28% ही ऑक्सीजन मिलता है। इससे आपको पता चलता होगा कि महासागर हमारे जिंदगी में क्या महत्व रखते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि समुद्र से ऑक्सीजन भला हमें कैसे मिलती है, तो उसमें मरीन प्लांट और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आपको मालूम है दोस्तों, हम जो सांस लेते हैं उस 10 सांस में 7 सांस हमारे समुद्र के मिले ऑक्सीजन की ही होती है। ये जो माइक्रो प्लांट है, ये अर्थ के सबसे छोटे प्राणियों में है, लेकिन हमें जीवित रखने के लिए जो भी एलिमेंट चाहिए उनमें से एक है। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, हम मार्स से लेकर वीनस तक की जानकारी अपने पास रखते हैं, लेकिन अर्थ पे रहते हुए भी आज भी महासागर हमारे लिए रहस्य के विषय बने हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, महासागर का सिर्फ और सिर्फ 5% ही जानकारी हमारे पास है। NOAA, द नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, आज तक हम सिर्फ 5% जानकारी ही अपने पास महासागर की रख पाए हैं। महासागरों में अर्थ से भी ज्यादा जीवन है या स्पीसीज है। हर साल 2000 समुद्री प्रजातियों की खोज की जाती है, फिर भी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 91% प्रजातियां अभी भी अज्ञात हैं। आखिरी फैक्ट ये है दोस्तों, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र में ही होता है। 70% ज्वालामुखी विस्फोट महासागरों में ही होता है। तो देखा दोस्तों, महासागर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, लेकिन हम दिनों दिन इसे गंदा करते जा रहे हैं, इसे भी प्रदूषित करते जा रहे हैं अपने अर्थ के जैसा। इसमें कारखानों का गंदा पानी, हैवी मेटल्स, केमिकल्स, प्लास्टिक, केन और तरह तरह की खाद्य सामग्री इसमें फेंक देते हैं, जिससे समुद्र का पानी गंदा होते जाता है। आइए हम आप मिलकर एक प्रयास करें और हमारी टीम पहचान एक प्रयास की ओर से भी आपको हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि अपने पर्यावरण की तरह ही महासागर की भी सुरक्षा करें। हैप्पी ओशन डे दोस्तों, थैंक यू।